सलाम वालेकुम मम्मी, बस अभी एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ मैं, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा, खाना घर ही जाकर खाऊंगा मम्मी। अकेले क्यों आ रहा है सोहेल? नुसरत और साजिया को साथ क्यों नहीं ला रहा? अभी मेरी नुसरत से बात हुई। प्लान तो साथ ही में आने का था मम्मी, लेकिन साजिया के इम्तिहान है ना, वो लोग अगले हफ्ते आएंगे। सब लोग साथ आओ तो अच्छा लगता है। तो क्या करूँ मैं अब, इधर एयरपोर्ट से घर को वापस लौट जाऊँ मैं, टिकट कैंसिल कर दूँ? चुप कर, अच्छा चुपचाप, बड़ा आया टिकट कैंसिल करवाने वाला। नहीं सर, आप जिस आदमी के बारे में बता रहे हैं ऐसा कोई भी हमारे एक्सीडेंट सेंटर में एडमिट नहीं किया गया है, ना आज ना कल ना परसों। मैडम मैं आपको फिर से फोटो फॉरवर्ड करता हूँ, नाम सोहेल बेग है, उम्र 34 साल, कद 5 फुट 10 इंच है, आप प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। नहीं सर, ऐसा कोई एक्सीडेंट केस हमारे हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही कल 7 सितंबर को और ना ही आज सुबह तक। जी नहीं, ये जिस आदमी की तस्वीर आपने मुझे भेजी है, इस आदमी का कोई रेलवे एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है, मैंने चेक किया। नायडू सर, शायद चेहरा पहचाने में ना रहा हो। हुसैन, कल और आज में सिर्फ एक ही एक्सीडेंट केस है जिसमें औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा है। जी नहीं सर, हमारे पास ऐसा कोई एक्सीडेंट केस नहीं है जैसा आप बता रहे। सोहेल बेग, नो सर, ऐसा कोई एक्सीडेंट केस नहीं है इस नाम से। 24 घंटे हो चुके हैं, सोहेल बेग ने ना तो कॉल बैक किया है ना ही घर वापस लौटा है। ये सोहेल बेग 5 सितंबर की रात को दुबई से यहाँ हैदराबाद लैंड हुआ था। जी हाँ सर, और इसकी बीवी नुसरत आज दुबई से निकल रही है, हम कल इससे बात कर सकते हैं। पर अम्मी, आपको सोहेल ने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रहा है, किसको मिलने जा रहा है? कुछ नहीं बोला नुसरत, मैंने पूछा भी कि कब तक लौटेगा। आता हूँ मम्मी अब्बू, शाम को लेट आऊंगा मैं। ज्यादा लेट मत करना सोहेल, तुम्हारे चाचा जान आ रहे हैं शाम के नाश्ते पे। खास तुमको ही मिलने आ रहे हैं मियाँ? 6 बजने के पहले लौटाऊंगा मैं, टेंशन न करो। 6 तलक नहीं आया तो मैं फोन पे फोन घुमाने लगी, लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। मैं और शाजी यहाँ से निकल रहे, शाम तलक हैदराबाद पहुंच जाएंगे। पर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। मकसद, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? नसर साहिबा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आपके शौहर 1 हफ्ता पहले दुबई से यहाँ पर आए, कोई खास वजह या कुछ और काम? जी वो अपने अम्मी अब्बू के साथ वक्त बिताना चाहते थे, उनकी लीव्स इकट्ठा हुई थी तो मिल गई, शाजिया के एग्जाम से इसलिए हम दोनों वहीं रुक गए। दुबई में क्या काम करते हैं आपके शौहर? जी परफ्यूम की दुकान है, सेल्स में है। सोहेल जब जब यहाँ पर आता है तो किस किस से मिलता है? अब वो पैदा यहाँ हुआ, बड़ा यहाँ हुआ, न जाने कितने लोगों को जानता होगा, फिर मुझे बता के भी कहाँ गया कि किसको मिलने जा रहा है। यहाँ हैदराबाद में किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हम पिछले 10 सालों से दुबई में रहते हैं, हमारी शादी भी वहीं हुई है, तो हमारा यहाँ हैदराबाद में किसी से क्या दुश्मनी होगी? The number you are trying to call is currently switched off. 444-568-7991. इस नंबर से सोहेल बेग को एक फोन आया था 6 सितंबर की रात को। जी सर, इस नंबर से सोहेल के इंडिया वाले नंबर पर कॉल आया था। सोहेल के आउटगोइंग में सिर्फ एक कॉल है सर, जो उसने अपनी बीवी नुसरत को किया था। सर सोहेल बेग का इंडिया वाला नंबर 5 सितंबर की शाम को स्विच ऑन हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर से स्विच ऑफ है। और ये स्विच ऑफ हुआ फतेहगंज में शाम 4 बजे। जी सर। नहीं नुसरत, मुझे नहीं पता कि फतेहगंज में सोहेल को क्या काम था, आपको कुछ बोला था? नहीं तो, मैं तो फतेहगंज में किसी को जानता तक नहीं। पर पुलिस का कहना है कि सोहेल 7 तारीख को शाम को 4 बजे फतेहगंज में थे। लेकिन वो वहाँ क्यों था, किसके साथ था? पुलिस कह रही है कि सोहेल को 6 सितंबर को कोई फ़ोन आया था, उनके पास वो नंबर है पर फिलहाल वो बंद आ रहा है। नंबर अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है, ये नंबर किसी नाविश शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है, आप जानती हैं किसी नाविश शेख को? एक मिनट, अम्मी सोहेल किसी नाविश शेख को जानते हैं? नाविश शेख तो सोहेल का बचपन का दोस्त है, तो मिली है उसे, नूरगंज में रहता है। फोन रिकॉर्ड्स में भी नाविद का एड्रेस नूरगंज ही दिखा रहा है। लेकिन सोहेल नाविद को तो हर बार मिलता है, अगर उसे पता है कि सोहेल कहाँ है तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? नावेश शेख यहीं रहता है? जी, मेरे शौहर है, फैक्ट्री गए हैं। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? परसों हमारा बेटा फोन से खेल रहा था, टूट गया, अभी नया लेना है लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है दुकान जाने को। हम खुद ही जाकर देख लेते हैं कि कितना बिजी है वो और काम क्या करता है।
अम्मा मियाँ जल्दी करो ना, रामू उसको देखे आना। नावेद, नावेद। जी रफीक भाई, पुलिस आई ली है, तेरे को पूछती। पुलिस मेरे को? हाँ सर, 6 तारीख को सुहेल से फोन पे बात किया मैं, और अगले दिन 7 तारीख को सुहेल तुझसे मिला था। हाँ साहब, इसीलिए छुट्टी लिया मैं। सोहेल मेरे से मिलने को मेरे घर आया था, बचपन का दोस्त है साहब, खास। 6 तारीख को तेरी सोहेल से बात हुई और 7 तारीख को तू उससे मिला भी, उसके बाद से ही तेरा जिगरी दोस्त गायब है और इस बात से तुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा? साहब मैं अपने काम में मशरूफ था, ऊपर से मेरे फोन को भी अभी टूटना था। तेरा फोन भी तभी टूटना था जब सोहेल गायब हुआ? इत्तफाक कुछ ज्यादा हो रहे मियां। बोलो, प्लान सोहेल के दुबई से आने से पहले बना या बाद में? मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि सोहेल यहाँ हैदराबाद में, वो तो 6 तारीख को अचानक से सोहेल का फोन ऑनलाइन हुआ, तभी उसको फोन मारा मैं। कमाल करते हो मियाँ, तुम इधर को आए और एक मैसेज तक नहीं किया, वो तो तुम्हारी ऑनलाइन हरी बत्ती टिमटिम की तभी तुमको फोन किया मैं। अरे गलती की ऑनलाइन दिखा के भाई, कल तुम लोगों को अचानक से सरप्राइज देने का सोच रहा था मैं, का पूरा रायता फैल गया देखो। अरे जाओ, ये तो तुमको फोन किया मैं, वरना तुम तो बिना मिले निकलते थे। छोड़ो, और बताओ नुसरत भाभी और शादिया कैसे हैं? बोलो अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो कल मिले? बोलो तो छुट्टी लेता हूँ मैं। अरे सोहेल भाई, और लो ना। हाँ दो दो। अच्छा सोहेल भाई, हम लोग ना मिलके कुछ प्रोग्राम बनाते, आप नुसरत, शाजिया और हम तीनों। नुसरत आ रही है कुछ दिनों में, तुम दोनों आपस में बात करके तय कर लो। और मियाँ कैसी चल रही दुबई में इत्र की दुकान? बस भाई अल्लाह का करम है, तुम सुनाओ। बस अपनी भी चल रही है। अच्छा नावेद, हम निकलते हैं, इतवार को मिलते हैं। तुम अभी हो ना कुछ दिन यहाँ? हाँ हाँ, पूरे 1 महीने है भाई। सोहेल के फोन पर मैसेज आया था? जी साहब, अब SMS था या चैट मैसेज ये मेरे को नहीं मालूम। फिर वो तुरंत निकला? जी साहब, फौरन उठा और चल दिया, मैं उसको बाहर तक छोड़ने भी गया। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसका फोन फतेहगंज में बंद हुआ था, उधर किसको मिलने गया था सोहेल? साहब वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे इलाके से किसी के साथ में तो गया साहब वो। तूने देखा था किसके साथ गया? हाँ साहब देखा मैं। अबे तो अब तक क्यों नहीं बोला? साहब लेकिन अभी तो बात निकली ना। किसके साथ गया था वो? साहब उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन कोई औरत थी स्कूटर पर। अब तू फेंक रहा है नावेद? खुदा कसम साहब। तुम दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा, फिर वो गया अपने रास्ते और तू गया अपने रास्ते, फिर ऐसी कौन सी बिजली कड़की कि तू अपने लंगोटी यार के पीछे गया उसकी जासूसी करने? कैसी जासूसी साहब, मैं जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगा तभी मेरी नज़र मेरी खुद की बाइक पर पड़ी, उस पर किसी का कोई कपड़ा पड़ा हुआ था, मैं कपड़ा उठाने गया तो मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। चल खुलिया बताओ, सौरत का बुरके में थी साहब। हमको हल्के में बिल्कुल भी मत ले, फोड़ डालेंगे तुझे, समझा? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। अबे नावेद, तू सुहेल को अपना बचपन का दोस्त बोलता है, वो अपने बीवी बच्चों को अकेला दुबई में छोड़कर यहाँ आता है, यहाँ किसी औरत के साथ डबल सीट गया, और तुझे मालूम ही नहीं कि वो औरत कौन है? साहब बचपन की दोस्ती अलग थी और अभी की निजी जिंदगी अलग है साहब। गोली मत देना मैं, वरना यहीं अभी तुझे अलग अलग कर देंगे। बोल। साहब मेरे को नहीं मालूम, 7 तारीख को सोहेल मेरे घर को आया, उसके बाद से अभी तक सोहेल से मेरी कोई बात नहीं हुई, फोन चैट कुछ भी तो नहीं। फोन चैट कैसे होगी, उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दिया था ना तूने। चल अब सीधे बोल, उसकी बॉडी को कहाँ दफन किया तूने? ऐसा मत बोलो साहब, सोहेल दोस्त है मेरा, मैं इसको काय को मारूंगा? नावेद तो बचपन से ही अच्छा लड़का है साहब, वो सोहेल के साथ क्यों झगड़ा करेगा? सर सोहेल मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं, अगर नावेद के साथ कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे जरूर बताते, और जैसा कि मैंने आपको बताया सर, हमारी लाइफ दुबई में है, गिन करके साल में सिर्फ 2-4 हफ्तों के लिए ही सोहेल हैदराबाद आते हैं। ये बुरखे वाली औरत कौन हो सकती? कोई आइडिया नहीं है सर, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि सोहेल किसी बुरके वाली औरत के साथ स्कूटर पे डबल सीट जाएंगे। तो क्या नावेद झूठ बोला? वो झूठ क्यों बोलेगा? तो कौन झूठ बोला? क्योंकि कुछ तो है ये झूठ है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सोहेल सच में उस औरत के साथ स्कूटर पर गया था। मेरा शोर झूठ काई को बोलेगा? सोहेल के साथ अच्छी दोस्ती थी उसकी, वो सोहेल के साथ बुरा काई को करेगा? आप लोग अभी के अभी मेरे नावेद को छोड़ दो। देखो नगमा, सोहेल अब तक मिला नहीं है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि तुम्हारा शोर सच बोल रहा है या पतंग उड़ा रहा है। पतंग के काई को उड़ाएगा जी, ईमानदारी से कमाने वाला आदमी है वो, जो जैसा देखा उसने आपको बता दिया तो आप लोग उसी को अंदर कर दिए, अभी वो जो भी कह रहा है आप लोगों को झूठ लग रहा है। अरे तो क्या करता वो, जाके उस सोहेल का फोटो लेके आता क्या जब वो बुरखे वाली के साथ भाग रहा था? भाग रहा था
तुमको कैसे मालूम उसके साथ भाग रहा था? बोल रहा है नावेद, सोहेल ऐसे कैसे किसी नकाबपोश औरत के साथ गया और घर नहीं लौटा? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सोहेल के अब्बा, तो नावेद कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? सोहेल को दुबई में नौकरी मिली, तरक्की की, तो शायद जल गया होगा, माटी मिला। नंबर है 444-321-234। इस नंबर के मैसेजेस और चैट मैसेजेस मुझे दोनों चाहिए, 6 सितंबर से लेकर आज 11 सितंबर तक के। सर, नावेद के कॉल रिकॉर्ड्स में नुसरत फीचर नहीं होती, तो इन दोनों की कोई भी प्लानिंग हम फोन लेवल पर रूल आउट कर सकते हैं? और नुसरत का कहना है कि वो नावेद से एक दो बार ही मिली है। सर, नुसरत के दुबई के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाना थोड़ा मुश्किल होगा इस वक्त, लेकिन इतना तो पक्का है कि दुबई और हैदराबाद के बीच कोई तो प्लानिंग जरूर की गई होगी। हुसैन, प्लानिंग तो हुई, पर ये प्लानिंग किसने की है ये फिलहाल हम नहीं जानते। क्या ये प्लानिंग नुसरत ने की सुहेल को गायब करने की, या सुहेल ने खुद प्लानिंग की और गायब हो गया, या फिर ये किसी तीसरे की प्लानिंग है, या कोई प्लान नाकाम हुआ? सर, नावेद कह रहा था कि सुहेल को कोई मैसेज आया था जिसके बाद वो तुरंत नावेद के घर से निकला। डिटेल्स मंगवाई है मैंने सर, 2 दिन लगेंगे सारे मैसेज और चैट्स की डिटेल्स आने में। हुसैन, आज ऑलरेडी 4th दिन हो गया सुहेल को गायब हुआ, डिटेल आने तक इस नावेद के स्टेटमेंट वेरीफाई करवाओ। मोहल्ले में वो अकेला तो नहीं होगा जिसने सुहेल को इस बुरके वाली औरत के साथ स्कूटर पर डबल सीट जाते देखा होगा। बोलो चाचा, देखा क्या इसको? लग तो रहा है देखा था किसी बुरखे वाले के साथ स्कूटर पर। देखो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है मैंने देखा इस आदमी को। हाँ सर, सारी रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं। 7 सितंबर की रिकॉर्डिंग निकालो, दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात तक। नावेद झूठ नहीं बोला। कौन है ये खातून? अम्मी, मुझे क्या मालूम कौन है ये। देखिए, बुरखे के नीचे ये औरत कोई भी हो सकती है, और आप हमें ये बताइए कि आपके शौहर आपसे 1 हफ्ता पहले दुबई से यहाँ हैदराबाद आते और फिर इस औरत के साथ स्कूटर पर डबल सीट जाते, तो जाहिर सी बात है ये इस औरत को जानते होंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों इस औरत को नहीं जानते? मुमताज़ बेगम आपके बेटे और नुसरत साहिबा आपके शौहर इस औरत के साथ अपनी मर्जी से स्कूटर पर गए। लेकिन इस औरत के बारे में मैं पहली बार जान रही हूँ। पर शायद ये पहली बार नहीं होगा जब आपके शौहर इस औरत के साथ कहीं गए हैं और अपनी मर्जी से गए हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुई, फुटेज में साफ दिख रहा है। गया होगा किसी काम से, किसी से मिलने, लेकिन वापस लौट के तो नहीं आया है ना, उसका फोन तो बंद है ना। अरे ढूंढिए इस औरत को और पूछिए उसे कि कहाँ छिपा कर रखा है मेरे बेटे को। ये भी तो हो सकता है कि सोहेल खुद कहीं छिप गया हो आप सबसे और उसके लौटने का कोई इरादा ही ना हो। सोहेल मेरे शौहर है और मैं उन्हें आपसे या किसी से भी बेहतर जानती हूँ। पर आप इस औरत को तो नहीं जानती ना, जैसे आपके शौहर काफी काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या मियाँ, हैदराबाद आए और हमको नहीं बताए? अरे अभी 21 दिन तो हुआ है आए हुए। तो कब मिल रहे हो तुम? बोलो, आज ही मिलते हैं। कहाँ हो तुम? नूरगंज में हूँ, अपने दोस्त नावेद के यहाँ। अच्छा, तो दोपहर में पिकअप करती हूँ तुम्हें। कितने बजे? 1:30 बजे। ओके डन। और फिर 1:40 पर उस खातून का मैसेज आता है। पहुँच गई हूँ, बाहर आ जाओ। सर, ये नंबर जिस पर सुहेल की ये चैट हुई थी, ये नंबर अभी भी स्विच ऑफ है, डिटेल्स मंगवाई है मैंने। हालांकि सर, चैट हिस्ट्री देखकर लगता है कि अफेयर काफी पुराना होगा, और जब जब सुहेल हैदराबाद आता होगा ये दोनों पक्का मिलते रहे होंगे। हुसैन, मिलते होंगे, लेकिन मिलने के बाद ये सुहेल घर वापस तो आता होगा, इस बार लौटा ही नहीं। सर, CCTV फुटेज में स्कूटर का नंबर साफ दिख रहा है, डिटेल्स मंगवाई RTO से, पता चलेगा ये स्कूटर किसके नाम पर है। पर बीवी बच्चे वाला आदमी है, दुबई में सेटल्ड है, इस तरह सबको छोड़ छाड़ कर क्यों भागेगा? सर, अगर सुहेल का इस बुरके वाली औरत के साथ अफेयर होगा तो पक्का इस अफेयर में कुछ तो खट्टा हुआ होगा। हुसैन, खटास तो आजकल अच्छी खासी शादी में आ सकती है, फिर अफेयर में तो होनी होनी, यहाँ कुछ ना कुछ झोल जरूर है, या तो प्यार का, या पैसे का, या फिर दोनों का। स्कूटर फैजान मिर्जा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे फैजान तो मेरा भांजा है, मेरी बहन तबस्सुम का बेटा, 12/40 मोमिन नगर, यही है उनका पता। ये सब क्या हो रहा है साहब? ये आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो औरत जो भी थी
वो आपकी बहन तबस्सुम के बेटे फैजान के स्कूटर पर आई। अभी आप यही कहेंगे आप नहीं जानती वो औरत कौन है? साहब अगर पता होता तो क्यों नहीं बताऊंगी। मुमताज बेगम आपका बेटा गायब है और इस औरत के साथ आपके बेटे की गुफ्तगू हुई और उसके बाद आपका बेटा उसके स्कूटर पर बैठकर कहीं चला जाता। हमारा हमारी बहन तबस्सुम के साथ कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? हमारे अब्बू कुछ जमीन छोड़ गए थे, उसी को लेके हम लोगों के बीच कुछ किरकिरी हो गई थी। कब की बात है? परसों बीत गए। इन बरसों में हम लोगों के बीच कुछ बातें नहीं होती सिवाय कोई शादी या वलीमा के। क्या आपके बेटे सुहेल के गायब होने के पीछे आपकी बहन तबस्सुम का हाथ हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों बाद। जी फैजान मिर्जा आपका बेटा है? हाँ तो बुलाइए। काम से बाहर गया है? बात क्या है इंस्पेक्टर? 7 सितंबर की दोपहर को आपके भांजे सुहेल बेग को ये औरत आपके बेटे के स्कूटर पर अपने साथ लेकर गए और तभी से सुहेल गायब है। ये स्कूटर तो मेरे बेटे फैजान की थी, लेकिन पिछले 2 साल से इसे रफत चला रही है। रफत? ये रफत कौन है? मेरे बड़े बेटे आमिर की बीवी हुआ करती थी, अब ये दोनों अलग हो गए, इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो आपके और आपकी छोटी बहन मुमताज बेग के बीच भी नहीं है, जमीन को लेकर झगड़ा है। मुमताज ने हमारे बाबा आदम के जमीनों के झगड़े के बारे में तो बात की, लेकिन 2 साल से जो ताजा ताजा चल रहा है उसके बारे में तो चूँ तक नहीं की आपके सामने। ताजा ताजा क्या चल रहा है? ये बेशर्मी, मुमताज का शादीशुदा बेटा सोहेल और ये बेहया रफत के बीच में नाजायज रिश्ता है। मुमताज को सब मालूम है लेकिन वो चुप है। आपको सोहेल चाहिए ना, तो पहले जाके उस रफत को ढूंढिए। आप लोग हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं जबकि हम शुरू से आपको ये बता रहे हैं कि आपके बेटे की इस औरत के साथ गुफ्तगू हुई है, चैट मैसेज के सबूत हैं, फिर भी आपने सिर्फ जमीन का जिक्र किया जिसको लेकर आपका आपकी बहन के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन आपके बेटे का आपकी बहन की बहू रफत के साथ जो अफेयर था उसका जिक्र एक बार भी नहीं किया आपने। और आप नौसर साहिबा अपने शौहर के अफेयर को इतनी जल्दी भूल गए? रफत और सोहेल के बीच में जो कुछ भी था उस पर तो कब की मिट्टी डल चुकी है। किस पर मिट्टी डल चुकी है और कहां दफन किया? अब ये रफत ही हमें बताएगी। सेना जी आपकी बेटी रफत के घर पे तो ताला लगा हुआ है। मैं भी उसे लेकर परेशान हूँ, एकदम से गायब हो गई। क्या मतलब? 7 तारीख को आई थी, बच्चों को मेरे पास छोड़कर चली गई। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, क्या काम है, कुछ बताया नहीं। जिशान और अमजद को लेने कुछ दिनों बाद लौटूंगी, कुछ जरूरी काम निपटाना है। क्या काम है? जा कहाँ रही हो? कब लौटोगी? अम्मी बोला ना जरूरी काम है, जल्दी लौटाऊंगी। जिशान अमजद आपस में लड़ना नहीं और नानी जान को तंग नहीं करना, मैं जल्दी लौटाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, सुहेल जिसके साथ चैटिंग कर रहा था वो नंबर रफत के नाम पर है। अब तो ये कन्फर्म है सर, वो बुरखे वाली औरत रफत ही है। रफत का फोन स्विच ऑफ है, घर पर ताला है और वो गायब है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि उसकी अम्मी जीनत भी नहीं जानती। और अब इस पर्दा नशीन का पर्दा उठ चुका है, बेहतर होगा कि आप लोग भी अपनी नौटंकी का पर्दा गिरा दें। गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी सोहेल ने, राजिया की कसम खाई थी, 1.5 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था उसके और उस कुत्ती रफत के बीच। बिरयानी को दम से उतारने के बाद भी काफी टाइम तक अंगारे गर्म ही रहते हैं। ये हो ही नहीं सकता, इस सोहेल को लेकर कहीं चला गया हो। आप तो ये बात इतने दावे के साथ ऐसे कह रही हैं जैसे आपके बेटे सोहेल ने ये अफेयर शुरू करने से पहले आपसे इजाजत ली। 2 दिन और रुक जाते ना। नक्को रे, वैसे भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली मेरे को, 1 दिन भी लेट नहीं कर सकता मैं, ऊपर से शाजे का स्कूल होना, बेकार में नुसरत को शक होगा और यहाँ तुम्हारे आमिर को भी। सोहेल खुदा ना खासा अगर हमारी मोहब्बत सबके सामने आ गई तो क्या तुम सबके सामने मेरा हाथ थामोगे? अरे क्यों ऐसी बात सोच कर बोल कर अच्छे खासे मजे को किरकिरा करती है यार, हम मैं कह रहा हूँ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, समझी तुम?
समझी, मजाक कर रहे थे। चल मैं निकलता है, पैकिंग भी करनी है मेरे को। अरे क्यों मार रहा है उसे? आमिर भाई क्या हुआ? पता सब कुछ पता, क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, सब कुछ पता। अरे अम्मी नाम सुनेगी ना तो पैरों तेरे जमीन खिसक जाएगी तेरी। चुन चुन के सोहेल को चुना इसने। साला एक टाइम से देख रहा हूँ, जब देखो तो फोन में रहती है, फोन में रहती है। आज रहा नहीं गया तो फोन चेक किया, पूरा का पूरा चिट्ठा है सामने, गुना का दस्तावेज। चुप क्यों है रफत, बोलती क्यों नहीं? अमर भाई सीधे उम्ताज खाला के घर जाकर बात करते हैं। अरे साला अपना ही सिक्का खोटा है तो उसको कैसे उछाले। हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ये यहाँ से जाएगी अभी के अभी जा। और हाँ, जाते जाते एक बात बता, वो अमजद और जीशान भी उसी के है ना? अमर कैसी बात कर रहा है? एक तो सुअर सोहेल का नाम मेरे सामने कभी मत लेना, और दूसरी बात मेरे को तेरी सफाई नहीं सुननी। अभी के अभी बक्सा बांध तेरा और तेरे दोनों पिल्लों का, और मुंडी नीचे करके बाहर निकल, वरना पाल से घसीट कर पीट पीट कर मोहल्ले के सामने बाहर निकालूंगा। चकपुटिया से लेकिन एक बार तो मुमताज को आड़े हाथ लूंगी ही लूंगी। नुसरत तरस आता है तुझ पे कि ऐसे आदमी की बीवी है तू जो अपने ही भाई की बेगम पर हाथ डालता है। अब जब वो आएगा ना तेरे पास, इतना याद रखना, जूठन है वो जूठन। कब से चल रहा है ये सब, हमारी शादी के पहले से? वो अम्मी और काला की बनती नहीं थी तो एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं होता था। यूसुफ मामा के बेटे अब्बास के निकाह में पहली बार मुलाकात हुई थी रफत से, तब से। तो पिछले 6 महीने में 3 बार 4-4 दिन के लिए हैदराबाद गए थे, इसीलिए ना? बोला ना गलती हो गई, अब बाल की खाल मत कर। अगर मैं ऐसा करती तो तुम बाल की खाल करते या मेरे बाल और चमड़ी दोनों खाते? देखो फिसल गया था मैं, बह गया था, एक बार माफ कर दे मेरे को। गलती की है मैंने, कोई कत्ल नहीं किया। वफा का कत्ल कत्ल नहीं होता सोहेल। मिट्टी डालो, हाथ जोड़ता हूं, मिट्टी डालो, आगे से नहीं होगा कभी। वैसे भी शर्म के वाले डूब रहा हूं मैं, आज के बाद रफत से बात तलक नहीं करूंगा मैं, साजिया की कसम। साजिया की कसम खाई थी, दिल से माफी मांगी। उसकी आंखों में देख के लग रहा था उसे सच में बुरा लग रहा है। उसने सारा रिश्ता जो कुछ भी था सब कुछ तोड़ दिया था उसके साथ। पर मौजूदा हालात देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। नुसरत जी, रफत ने 7 तारीख को अपने दोनों लड़कों को अपनी माँ के पास छोड़ा, इसका मतलब शायद रफत और आपके शौहर के बीच पहले से कुछ तय था। कहाँ है वो पर्चा जिसमें सारे SMS है? पढ़ो, क्या लगता है क्या उन दोनों के बीच सब कुछ पहले से तय था? इंस्पेक्टर साहब मुझे शक है कि रफत और उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। मेरे बेटे को ढूंढिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और आप ये उम्मीद करते हो कि मेरे को मालूम होएगा कि रफत किधर है, वो गटर में जी रही हो या सड़क के मर गई हो, मेरे को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। हम रफत को नहीं सोहेल बेग को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग है। तो अब मैं सोहेल बेग का भी रिकॉर्ड रखूं? मेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या साहब? देखिए साहब, अगर आपको उन दोनों की लाश कहीं मिले ना तो मुझे खुशखबरी देने के लिए फोन जरूर करना, वरना ना ही मेरा सोहेल से कोई लेना देना है ना रफत से। लेकिन तुम्हारा अपने भाई फैजान से तो लेना देना है ना? 7 तारीख को जब से ये दोनों गायब हुए ना, फैजान भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। उसका जो भी होएगा मेरे को मालूम नहीं, मैं अभी मस्कट में ड्यूटी पे हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता। पिछले 1.5 साल में सोहेल ने नुसरत से तलाक लेने की कोई पहल नहीं की, फिर अचानक भाग जाना, कॉलेज जाने वाला बच्चा तो है नहीं। इस नावेद को फिर से खंगालते सर, इस साजिश में इसका कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा। हो सकता है किसी के इशारे पर कुछ करवा दिया हो। हालांकि सर नावेद और नुसरत के बीच अभी तक कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश तो नहीं हुआ। हुसैन, हम एक अहम किरदार मिस कर रहे हैं, फैजान मिर्जा, वो भी तो आउट ऑफ रडार है। हो सकता है इस सब की मिली जुली साजिश हो, सोहेल के माँ बाप सोहेल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते, हो सकता है सोहेल और रफत दोनों को ही गायब कराया गया।
नहीं जा सकती मतलब? जब तक ये केस हल नहीं हो जाता और आपके पति मिल नहीं जाते, आप हैदराबाद से बाहर नहीं जा सकती। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने दुबई से रफत और सोहेल को कुछ करवा दिया है? नुसरत जी, हम किसी भी सोच को, किसी भी ख्याल को तब तक खारिज नहीं कर सकते जब तक उसे खारिज करने के सबूत हमारे हाथ में ना हो। मेहरबानी करके ऐसे फिजूल के सबूत ढूंढने में वक्त जाया ना करें और मेरे शौहर को ढूंढे। बेटा नुसरत, तुझे पता था कि सोहेल और रफत के बीच में बंद नहीं हुआ, सब चल रहा है? हाँ। तो तुम्हें रोका क्यों नहीं? आपने रोका? जब आपको पता था कि आपका लाडला आपकी ही बहन की बहू के साथ हम मिस्त्री कर रहे हैं। सोहेल को माफ करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, उसी वक्त ही खुला कर लेना चाहिए था। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या भला? मरियम, फैजान कहीं दुबई तो नहीं आया तेरे पास? अम्मी दुबई में हूँ, सिकंदराबाद में नहीं कि फैजान ऑटो पकड़ा और यहाँ आ गया। और यहाँ आता तो आप लोगों को बोल के आता ना, और आता तो क्यों आता? आखिर बात क्या है? 7 तारीख को काम है कहकर घर से निकला था, अभी तक नहीं लौटा और फोन भी बंद आ रहा है तेरे फैजान भाई का। और यहाँ पुलिस ने मेरा जीना हराम किया हुआ उसको लेकर। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? पुलिस पुलिस काहे को? मुमताज का सोहेल गायब हो गया है और रफत भी। पुलिस कह रही है कि शायद फैजान ने ही दोनों को कुछ कर दिया है। फैजान काहे को कुछ करेगा? और आमिर भाई और रफत भाभी को अलग हुए तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है ना अम्मी? हाँ, लेकिन 1.5 साल पहले रफत ने फैजान का स्कूटर लिया था, कभी लौटाया ही नहीं। आखिरी बार उसी स्कूटर पर सोहेल और रफत दिखे हैं CCTV में, तभी इतना शोर मचा हुआ है। अरे आमिर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत? सब खैरियत। आइए ना, अंदर आइए। लीजिए भाभी। मरियम। क्या मियां आमिर, सलाम अलैकुम। मुझे पता नहीं था कि मरियम ने तुम लोगों को भी बुलाया। सब कुछ जानते हुए भी तुम उनको बुलाई? अरे मेरी बहन हो या दुश्मन तू मरियम? भाईजान, सोहेल भाई भी तो मेरे भाई है ना। भाई है तेरा? मेरा भी भाई है, लेकिन क्या किया उसने? मेरी बीवी को बिस्तर में घसीटा, मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। रफत भाभी का भी उतना ही कसूर था, और अब तो आप लोग अलग हो चुके हैं, कब तक पुरानी बातों को याद करके दिल जलाते रहेंगे? मरियम, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तूने ऐसा किया। भाईजान, जरूरी नहीं कि आपका शिकवा सबका शिकवा हो, आपकी दुश्मनी सबकी दुश्मनी। इतना आसान है ना ऐसा बोलना? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा शोहर मुश्ताक ऐसा कर बैठा होता ना, तब तुम समझती मैं क्या बोल रहा हूँ। साहब, ना तो मेरे को सोहेल और रफत के बारे में मालूम था, और ना ये मालूम था कि आमिर और फैजान गुस्से में है। आप लोग बेकार में मुझे सब में घसीट रहे हैं। हमें मालूम है कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो, मास्टरमाइंड कोई और है। इसलिए बोलो, तुम्हारी और नुसरत की क्या डील थी? सुहेल और रफत की लाशों के साथ क्या किया? साहब बस ईमान से बोल रहा हूं, 1000 बार बोल चुका हूं कि सुहेल सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, और एक अच्छे दोस्त के जैसा मेरे को मेरे घर पे मिलने आया। उसके आगे पीछे मेरे को कुछ नहीं मालूम, जो मालूम था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। और रही बात नुसरत भाभी की, तो नुसरत भाभी से मैंने ऐसे अकेले में कभी कोई बात नहीं की, ना फोन पर ना सामने से। सर, साजिश की बिरयानी दम हो गई है, हल्की सी बू अब तगड़ी फैल रही है। फैजान मिर्जा मिला? जी नहीं सर, वो तो नहीं मिला, पर उसको ढूंढने के चक्कर में कुछ और हाथ लगा, तगड़ा है। क्या? सर ये हमने इमिग्रेशन हट ट्रेवल एजेंसी को चेक किया सर, कि कहीं फैजान 7 सितंबर को अपने भाई आमिर के पास मस्कट या अपनी बहन मरियम के पास दुबई तो नहीं चला गया, पर हाथ ये लगा। आमिर मिर्जा जो 6 सितंबर को मस्कट से हैदराबाद आया था और 8 सितंबर को मस्कट लौट गया। इतनी शॉर्ट विजिट और सीक्रेट भी सर, इसकी खुद की अम्मी को नहीं पता कि उनका लड़का शहर में आया और आकर निकल भी गया। ये कैसे हो सकता है? आमिर 6 सितंबर को आया और 8 को निकल गया, बिना घर आए, बिना एक फोन भी किए। वैसे फैजान भी गायब है, बताएंगे कहाँ है वो? पता नहीं सर। फैजान, सोहेल और रफत, इन तीनों के सेलफोन लोकेशन 7 सितंबर को फतेहगंज में ही दिख रहे हैं, और इमिग्रेशन के पेपर के हिसाब से फैजान मिर्जा दुबई या मस्कट भागा ही नहीं। जी सर,
किसी भी एयरलाइन या एम्बेसी की लिस्ट में शो नहीं हुआ है। रेड अलर्ट ऑलरेडी इशूड है। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। अब ये तो सवाल ही नहीं है कि सुहेल और रफत के बीच मोहब्बत की आग कभी बुझी थी, सवाल यह है कि इन सुलगते हुए अंगारों को नई आग किसने दी, क्यों दी? क्या सुहेल और रफत को उस आग की सजा दी जा रही है? सर एक बात खटक रही है, रफत ने अपने दोनों लड़कों को अपनी अम्मी के पास छोड़ दिया था, क्या उसे पहले से कुछ अंदाजा था कि कुछ होने वाला है? फैजान मिर्जा, इसे धरते हैं। अब यही हमें बताएगा कि सुहेल और रफत के मोहब्बत के अफसाने का क्या हुआ। सलाम साहब। बोले शमक। साहब पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन 8 तारीख से इधर 104 नंबर रूम में एक जोड़ा रह रहा है। रजिस्टर में नाम अहमद और रूबिया थे। जी मोहतरमा, दरवाजा पूरा तो खोली। लेकिन क्यों? अरे आप दरवाजा खोलेंगे तभी तो हम बताएंगे। नहीं पहले बताओ काम क्या। बोल फैजान, सुहेल कहाँ है? हमेशा की तरह सुहेल जल्दबाजी में आया, अपने मजे लूटे और चला गया। सब कुछ 7 की दोपहर को ही हुआ। उसके बाद ना उसका फोन आया ना कुछ। अब मुझे क्या पता वो कहाँ है। चला गया होगा दुबई को अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे बैठने। उसकी बीवी नुसरत यहीं है और उसकी बेटी शाजिया वो भी यहीं है। और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से सुहेल दुबई नहीं लौटा है, वो यहीं कहीं है, शायद 2 गज जमीन के नीचे। साहब लेकिन सुहेल को मारने में मेरा क्या फायदा? ये तो आप हमें बताएंगे ना क्या फायदा हुआ। तुम बोलो, बड़े खामोश बैठे हो। इस लॉकअप की दीवारों को खामोशी पसंद नहीं, इसलिए बेहतर होगा बोल दो। हमारे पास रिकॉर्ड है, 5 तारीख को तेरी और तेरे आमिर भाई की बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी फोन पर, और फिर 6 तारीख को वो यहाँ भी आया था हैदराबाद में, और 8 तारीख को वापस भी लौट गया था। अब मेरा आमिर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी पूछना है उससे जाके पूछिए। अब मुझे जाना है। अब तब तक नहीं जा सकती जब तक एक एक डिटेल आप डिटेल में नहीं बताते। कैसे फंसाया, प्लान कब बना, इस प्लान में कौन कौन लोग शामिल थे, सुहेल को कैसे मारा और उसकी लाश कहाँ है। मैंने भाईजान से कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मान ही नहीं रहे थे। भाईजान क्यों? नहीं सच में क्यों? रफत भाभी को छोड़े आपको 1.5 साल हो चुका है, सब अपना अपना देख रहे हैं। क्यों बीते हुए कल के चाकू से आप आने वाले कल को काट रहे हैं? आप फैजान, मुझे मेरे बीते हुए या आने वाले कल की रत्ती भर की फिक्र नहीं, लेकिन वहां दुबई में वो सोहेल बेग हमारी इकलौती बहन मरियम को गंदा करने पर तुला है। भाईजान आप मस्कट से दुबई मेरी जासूसी करने आए थे? इतना भी वेल्ला नहीं हूँ समझी मैं, लेकिन अगर आंखों के सामने कुछ दिखता है तो आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकता ना मैं। बिनती है आपसे मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। अरे कैसी बात कर रही तू अपने भाईजान से? अरे उस आदमी का कोई ईमान नहीं है, उस सोहेल बेग का समझी। अरे तो उसकी मौसेरी बहन है, शादीशुदा है और उसे चुप चुप कर मिल रही है। अरे जरा सोच, अगर मुश्ताक को पता चलेगा तो वो तुझे कुचल कर रख देगा, घर से बाहर निकाल देगा। और वो सोहेल तो मजे मार कर हाथ खड़े कर देगा, किसी और को पकड़ लेगा, तब क्या करेगी तू? जो भी करूंगी लेकिन आपके पास मदद के लिए नहीं आऊंगी। आप मेरी फिक्र ना ही करें, आप अपनी जिंदगी संभालिए और मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ और कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मरियम तो हमारे साथ बात करने से नहीं, सोहेल को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। जड़ से उखाड़ना होगा भाई। जड़ हम सबसे जुड़ी है ना भाई जान, एक को उखाड़ देंगे तो हम सबकी जड़ें उखड़ेंगे। वे साले डरपोक फट्टू, सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे मेरी बहन की इज्जत की परवाह नहीं? अरे ऐसा नहीं है भाई जान, मरियम अपने लहर पे देख लेंगी और जरूरत पड़े तो मरद भी मांग लेगी। मुझसे नहीं मांगेगी। तो मुझसे मांगेगी और तब का तब देख लेंगे। अब तक देखते ही आ रहा है ना, तेरे सामने तेरी भाभी मेरे साथ बेवफाई कर गई। क्या किया तू? हाँ अब तेरी शादीशुदा बहन की जिंदगी में वही चांदनी तबाही मचा रहा है। सीधे सीधे बोल, तू मेरे साथ है या नहीं? वैसे रफत मेरे साथ है इसमें। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था साहब। सुहेल ने मेरी जिंदगी इतनी खराब की मैं आपको बता नहीं सकती। आप मैंने घर से निकाला तो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई, लेकिन सोहेल उसने एक नए पैसे की मदद नहीं की। साहब मेरी अम्मी पे कितना बोझ आया मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से सोहेल हर 2-4 महीने में आता था, मजे लूटता था और चला जाता था। साहब जैसे कि मैं बनी इसी चीज के लिए हूं। तो आमिर ने मदद ऑफर की,
और सुहेल को मारने का प्लान बनाया। हाँ, वादा तो यही किया था। रफत, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। आमिर, मैं रोज रात को सोने से पहले अल्लाह मियाँ से माफी मांगती हूँ और तुमसे भी। माफ कर दिया? सच में माफ कर दिया? बस मेरी एक बात सुन, सोहेल अब भी तुझसे मिलने आता है। देख, अब शर्म हया मत कर, मेरे को मालूम, मेरे को तेरी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? सोहेल का सफाया करने में। मैं सोहेल को जान से मारने की सोच रहा हूँ। देख, तू ज्यादा सोच मत, इस तरीके से काम होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे रास्ते से हटा दिया है। और उसके बाद रफत, तेरा रास्ता क्लियर, तू सीधे वापस लौट इधर मस्कट में अपने दोनों बच्चों के साथ। इतना प्यार दूंगा, जन्नत बना के रख दूंगा घर को। बस पहले इस शैतान को खत्म। मैंने पता किया, वो हरामजादा इस वक्त हैदराबाद में। लेकिन हमें जो तुम सोच रहे, बिल्कुल गलत नहीं है। अरे, वो माटी मिला मरियम की जिंदगी के साथ खेल रहा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे, झूठ क्या को बोलूंगा मैं? अरे, तुम्हारी तरह मरियम भी उसके जादू में आ गई है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। उसके पहले उसको खलास कर दूं, सबकी जिंदगी सही हो जाएगी। बाजा, अभी भी कह रहा हूँ, रेंदो, ये सोहेल के घर वाले बवाल कर देंगे। हाँ आमिर, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी और हम दुबई और मस्कत से कहीं दूर जाके सेटल हो जाएंगे। भाईजान, अभी भी वक्त रहने देते, ये खून सर पे लेना बहुत भारी पड़ेगा। भाईजान, आमिर मुकर गया साहब, मुझे लेने ही नहीं आया। आमिर ने आपको धोखा दिया वो एक अलग मसला, पर आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा धोखा आपने खुद किया अपने साथ, कानून को हाथ में लेकर। आप दोनों में इतनी समझ तो होनी चाहिए थी कि आग से खेल ले, किसी को जान से मारकर खुद की जिंदगी बिना किसी डर के कैसे जी पाओगे? आमिर, फैजान और रफत ने सब कुछ उगल दिया और हमने सोहेल की बॉडी भी बरामद कर ली। शायद रफत उससे उब गई थी, थक गई थी सोहेल से, इसीलिए फैजान से मदद ली और खत्म कर दिया उसे। मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तू सोच रहा है तू वहां मस्कट में आराम से बैठा रहेगा और हम यहां वहां घूमते रहेंगे, तुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे इस झूठे केस में मत घसीटो। तगड़ी फाइल तैयार कर रहा हूं, ये फाइल इंडियन एम्बेसी में जाएगी, वहां की पुलिस के पास भी जाएगी और फिर ये फाइल वापस आएगी हमारे पास, और फाइल के साथ चिपका होगा तू, और फिर हमारे लॉकअप में हम तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि चीखें मस्कट तक सुनाई देंगी। अम्मी, हम कल वापस दुबई जा रहे हैं। अब क्या रखा है बेटा? हमें जब सोहेल की बेवफाई का पता चला था तब भी वहां कुछ नहीं रखा था, लेकिन अब तो सब कुछ वही है। मैं सोहेल की किसी भी याद के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही शाजिया को रहने देना चाहती। दुनिया में ऐसा कोई भी काम करना जरूरी नहीं होता जब आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो काम आपको गलत राह पे ले जाने वाला। Oh,
पति को सर, सलीम शेख के नाम से 19 अगस्त की रात 11:55 की मुंबई की टिकट्स तो बुक है सर, लेकिन इस बंदे ने फ्लाइट तो ली नहीं। 19 अगस्त की रात मुंबई के लिए सिर्फ एक ही फ्लाइट थी 11:55 की, उसके बाद कोई फ्लाइट थी ही नहीं। लगता है सलीम शेख एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं। निशा जी, आपके पति सलीम मुंबई किससे मिलने जा रहे थे? जी वो तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं। सर अपने बिजनेस के काम से ही जा रहे होंगे अब्बू। मिराज जी, आपको कुछ बताया था आपके छोटे भाई ने? जी नहीं जनाब, हमें तो कुछ नहीं बताया। लेकिन सलीम 2 दिनों तक किसी से बात ना करे, फोन ना करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनकी 23 तारीख की रिटर्न टिकट है। कहाँ से रिटर्न होंगे जब मुंबई गए नहीं तो? शायद उनकी फैक्ट्री में किसी को कुछ मालूम हो, मुंबई में उनका क्या प्रोग्राम था, किस पार्टी से मिलने वाले थे। हमने फैक्ट्री में भी फोन लगाया पर वहां पर भी किसी को कुछ नहीं पता और उनका फोन अभी तक बंद आ रहा है। निशा जी, अगर उन्होंने फ्लाइट ली होती और उनका फोन बंद आता तो हम ये कह सकते थे कि मुंबई पहुंचकर उनका फोन चोरी हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा या फिर ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने फ्लाइट ली नहीं तो जाहिर सी बात है कि किसी टेक्निकल कारण की वजह से उनका फोन स्विच ऑफ नहीं है। माजरा को सीरियस है। सर मुंबई में तो हमारे बहुत सारे रिटेलर हैं, अब उनमें से कौन से वाले के साथ मीटिंग थी ये तो मुझे पता नहीं। तो किसे पता होगा? सर सलीम भाई कट टू कट बात करते हैं, अब जितना जरूरी हो उतना ही बोलते हैं। अब अगर मुझे नहीं बताया तो किसी और को भी बताया नहीं होगा। भाभी जी ने भी फोन करके पूछा था। अम्मी प्राइवेट कैब थी या लोकल टैक्सी? हमें नहीं पता तनवीर। कलर क्या था टैक्सी का? तनवीर जब हमने देखा इन तो हम बताए कैसे, हेडलाइट ऑन थी, ना हम कलर देख पाए और ना ही नंबर। अल्लाह हाफिज़, पहुंचते ही SMS कर दीजिएगा। हमेशा तो करता हूँ। टैक्सी थी बस, हम इतना ही समझ पाए। उनकी रेगुलर टैक्सी थी, किसी खास जगह से बुलवाते हैं? जी वो तो हमें नहीं पता। मिराज साहब, आप अपने छोटे भाई सलीम के साथ बिजनेस में पार्टनर हैं? जी नहीं जनाब, हमारा फर्नीचर का शोरूम है। और आपका भी मुंबई आना जाना होता है? हमारा तो नहीं होता लेकिन सलीम का होता है, वो अक्सर अपने काम से मुंबई आ जाया करता है। देखिए 19 तारीख की फ्लाइट थी उन्होंने नहीं ली, 20 तारीख की जितनी भी फ्लाइट थी उनमें वो नहीं गए, तो जाहिर सी बात है कि वो मुंबई नहीं गए, कम से कम फ्लाइट से तो नहीं गए। सर अब्बू घर से एयरपोर्ट के लिए निकले थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कुछ हो गया हो और हमें पता ही नहीं? सलीम शेख, उम्र 39, कद 5'10", आखिरी बार अपने घर के बाहर एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में बैठते देखा गया था। टैक्सी नंबर पता नहीं है। सफ़ेद शर्ट और ग्रे पेंट पहनी थी, एक किंग साइज काला सूटकेस था साथ में। 19 की रात यही मंजिल बाग, कोठी नंबर 43 से पिक था। साहब हर एक ड्राइवर को पूछना पड़ेगा किसको बुलाया था, अब डायरेक्ट बुलाया है ये भी तो हो सकता है ना साहब। पता करो हरीश, कौन सी टैक्सी, कौन ड्राइवर था, गाड़ी का नंबर नहीं है हमारे पास, टैक्सी और ड्राइवर का पता चलते ही तुरंत मुझे या साहब को फ़ोन करो। ठीक है साहब। तो कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लूटपाट की वारदात नहीं? रिपोर्ट तो नहीं हुआ है सर, सलीम के फ़ोन रिकॉर्ड 1 घंटे में हमारे हाथ में होंगे। और ये किडनैपिंग का केस भी नहीं लगता क्योंकि अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। एक काम करो, सलीम का कॉल रिकॉर्ड आते ही उसकी स्कैनिंग शुरू करो, पता तो चले कि मुंबई किससे मिलने जा रहा था और क्यों नहीं जा पाया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अबू, टैक्सी स्टैंड पे काफी लोगों को पूछा पर किसी को भी ये नहीं पता कि चाचा जान ने कौन सी टैक्सी ली। सलीम का फोन अभी भी बंद आ रहा है, क्या हुआ होगा पता नहीं। अब्बू कभी भी अपना फोन इतनी देर तक स्विच ऑफ नहीं रखते हैं, पर रखा हो फिर भी क्यों रखा होगा? दिमाग पर जोर दे जरा, सलीम भाई ने मुंबई जाते वक्त कुछ तो कहा होगा कि वो कहां और किससे मिलने जा रहे हैं। जमीला भाभी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने बिजनेस की कोई बात हमें बताई हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुंबई किससे मिलने जा रहे थे? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई आपने फोन किया ना, पहले आप बताओ कौन बोल रहे हैं? पुलिस सब इंस्पेक्टर विवेक जोशी। नमस्ते साहब, मैं सतीश तांबे। सलीम शेख से आपकी 17, 18, 19 अगस्त 3 दिन बात हुई थी? जी जी, उसके पहले भी बात हुई है। 20 की सुबह वो मुझे यहाँ मुंबई में 9 बजे मिलने वाले थे पर वो आए ही नहीं, उनका फोन भी बंद है तब से। क्यों मिलने वाले थे आपसे? सर मैं प्लास्टिक की चीजों का होलसेलर हूँ और वो मैन्युफैक्चरर है, इसलिए। 19 तारीख के बाद उन्होंने आपसे किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं सर,
मैं उनके फैक्ट्री का माल खरीदने वाला था और हमारे बीच सप्लाई और पेमेंट की डील होने वाली थी, पर वो आए ही नहीं। दुश्मनी? वो भी अब्बू की? ना जी ना, वो ऐसे आदमी है ही नहीं जो किसी से दुश्मनी करे या बैर रखे। वो बस अपने काम से मुंबई जा रहे थे। लेकिन गए नहीं ना निशा जी, हमने मुंबई में उनके एक क्लाइंट से भी बात की जिनके साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो वहां पहुंचे ही नहीं। हमने एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी देखी ये सोचकर कि शायद उन्होंने किसी और नाम से टिकट बुक की हो। कोई और नाम से? ये क्या बोल रहे हैं सर, आप ऐसा क्यों करेंगे अब्बू? तुम्हारे अब्बू गायब भी क्यों होंगे तनवीर? तनवीर मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बू के साथ कुछ हुआ है। क्या? देखिए निशा जी, अगर किडनैपिंग हुई होती तो फिरौती के लिए कॉल आता, घर से एयरपोर्ट के रास्ते में अगर कोई लूट वूट की वारदात हुई होती तो वो रिपोर्ट होती, और हैरत की बात यह है कि कोई भी लोकल या प्राइवेट टैक्सी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो कि उन्हें घर से एयरपोर्ट तक लेकर गई हो। आप जरा खुलकर कहेंगे, आप लोग क्या सोच रहे हो? निशा जी, 3 दिन से आपके शौहर लापता है, मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गंभीर हुआ है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई अफेयर, कोई बदला लेना चाहता हो। हमें कहने की जरूरत नहीं है हवलदार साहब, सलीम भाई हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा हमारा भला ही किया उन्होंने। ईद हो या दिवाली, हमेशा दिलदारी से हाथ खोलकर बोनस दिया है और छुट्टियां भी। आप सब लोग ये बताओ, सलीम शेख को अगर कहीं बाहर जाना हो तो किसकी टैक्सी मंगवाते थे? कोई था रेगुलर टैक्सी वाला? The number you have called is currently switched off. सर, सलीम के कॉल रिकॉर्ड से किसी टैक्सी ड्राइवर या किसी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर नहीं मिला, बस एक ही नंबर था 4467-8987 जिससे सलीम की लास्ट बात हुई थी, आउटगोइंग कॉल था, और ये नंबर स्विच ऑफ है, डिटेल्स मंगवा रहा हूँ। विवेक, मुझे लगता है कि नंबर ही हमारे केस की चाबी होगी, शायद मिसेस सलीम यानी कि निशा शेख से देखने में कोई भूल हुई है। पिकअप के लिए जो गाड़ी आई थी शायद वो टैक्सी थी नहीं बल्कि कोई प्राइवेट गाड़ी रही होगी। जी, उन्होंने ही कहा था कि टैक्सी बुक कराई है। पर निशा जी, क्या आपको यकीन है कि आपने जो गाड़ी देखी थी वो टैक्सी थी? एक्चुअली हमने अब्बू से कहा था कि हम ड्रॉप कर देते हैं आपको अपनी गाड़ी में, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब्बू, टैक्सी क्यों? हम ड्रॉप कर देते ना। अरे हमने सोचा इतनी रात गए तुम कहाँ अकेले वापस लौटोगे, इसलिए हमने टैक्सी बुक करा दी, बस आती ही होगी। वापसी की टिकट कब की है जी? 23 की है, वो मुंबई की एक पार्टी से अचानक ही मिलने का प्लान बन गया, इसलिए तुम लोगों को ठीक से पहले बता नहीं सके। निशा जी, एक नंबर है 4467-8987, इसी नंबर पर आखिरी फोन सलीम जी ने किया था और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने की आखिरी लोकेशन उपरगंज है जो कि आपके घर और एयरपोर्ट के बीच में पड़ता है। सर, ये किसका नंबर है? पता कर रहे हैं, फिलहाल स्विच ऑफ है आपके शौहर के फोन की तरह, और इन दोनों नंबर का स्विच ऑफ होना हमें इस बात पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपके शौहर के गायब होने और इस नंबर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। निशा जी, मिराज जी, हमने शहर के हर लोकल और प्राइवेट टैक्सी सर्विस के साथ चेक किया है, लेकिन किसी का भी पिकअप उस रात आपके घर से नहीं था। निशा जी, एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, जो गाड़ी आपने देखी थी क्या वो वाकई में टैक्सी थी या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी? अगर टैक्सी नहीं थी तो निशा टैक्सी क्यों कहेगी, और सलीम ने अगर कोई टैक्सी बुक नहीं की थी तो वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद मुझे इसलिए लगा होगा कि टैक्सी आई है क्योंकि तनवीर के अब्बू ने कहा था कि टैक्सी बुक कराई है। सर, सलीम की लास्ट बात जिस नंबर पर हुई थी फर्जी है, और ये नंबर जिस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसकी भी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, मतलब नाम भी फेक है, और जाली नंबर का इस्तेमाल किया जाना हमारे लिए सबसे पहला सुराग है कि कोई सीरियस क्रिमिनल कांड प्लान किया गया है और उसे अंजाम भी दिया गया है। और सर, ये नंबर 4467-8987, इस नंबर पर सिर्फ एक ही बार कॉल आया सलीम का, और वो भी 19 अगस्त की रात को फ्लाइट के पहले। उससे बात करने के बाद 5 दिन हुए, सलीम की तरफ से खामोशी रही है। विवेक, इंसान खामोश कब होता है? या तो तब जब वो खुद मुंह बंद रखना चाहता है, या फिर तब जब उसकी आवाज़ को घोंट दिया जाता है, उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। रोज जिग जिग होती है घर में, रोज दिमाग शोर मचाता है, और हम बस भाग लेते हैं घर से। दिमाग में शोर तब तक खामोश नहीं होता जब तक हम ठेके से अपने लिए एक देसी का खम्बा नहीं खरीदते और अपने अड्डे नहीं जाकर पहुंचते।
पूरी बोतल उतार देते हैं भेजे में। तब जाकर शोर धीरे 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 कम हो जाता है, फिर नींद आती, गहरी नींद आती है और बस यहीं फैल जाते हैं। हर रोज सुबह घर लौटते साहब हम, आज सुबह जब हम लौट रहे थे तो हमने झाड़ियों में ये सूटकेस देखा। बॉडियों में नूपुरगंज में मिली, काले सूटकेस में, एयरपोर्ट के पास। सर आप ये क्या कर रहे हो, हमारी कार की फोटो क्यों ले रहे हो, आप लोग हम पर शक कर रहे हो? हाँ मर्डर केस है और कोई शक के दायरे में। ये क्या कह रहे हैं आप, हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारे भाई का इंतकाल हुआ है और आप हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं, सीधे सीधे हम पर शक कर रहे हैं आप? मिराज जी सबसे पहली बात ये कि इंतकाल कैसे हुआ, कत्ल का कारण, कत्ल का कारण जानना हमारा फर्ज है और इस वक्त आपका भी ये फर्ज है कि आप चुपचाप सीधी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें। फरमाइए। 3BHK फ्लैट आपके और सलीम के जॉइंट नाम पर है, किराए पर है। तो किराए के पैसों के लिए हमने हमारे भाई का कत्ल करवा दिया। हिस्ट्री क्या है इस फ्लैट की? कोई हिस्ट्री नहीं है जनाब, हमारी पुश्तैनी कोठी थी जिसे हमने बेच दिया और उसके जो पैसे आए उससे हमने ये फ्लैट खरीदा और उसका जो किराया आता था वो हम आधा आधा बांट लेते थे। और अब आपको ये किराया बांटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके भाई की बेवा और उसका 20 साल का बेटा आपके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। महज 25,000 रुपये महीने के लिए हम हमारे सगे भाई का कत्ल करवा देंगे? मिराज जी किराया तो महज फसल है, असल मसला तो जमीन का है। नहीं, शहर के सबसे पॉश इलाके में 3BHK का फ्लैट, उसकी कीमत कोई जेब खर्ची तो नहीं होगी ना? सगा भाई था हमारा, हमारा खून, कत्ल हुआ है उसका और आप हैं कि हमारे और उसके बीच कुरेद कुरेद कर दुश्मनी ढूंढ रहे हैं जबकि वहां पे कुछ है ही नहीं। तो फिर कहां पर है मिराज जी, बिजनेस से कोई दुश्मनी नहीं, हर कोई कह रहा है कि नेक आदमी थे, ईमानदारी से बिजनेस करते थे, किसी अफेयर के बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस ट्रिप पर निकले सलीम शेख को एयरपोर्ट के रास्ते पे ही कत्ल कर दिया गया और उसकी नाक काटकर उसी सूटकेस में रख दी गई जिसमें उसकी लाश मिली? यूजुअल सर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थोड़ा कैश, मोबाइल फोन, यही सब कुछ रहा होगा अप्पू के पॉकेट में। हमें सूटकेस में सिर्फ उनकी लाश मिली और उनकी कटी हुई नाक जो हमने हॉस्पिटल में जुड़वा दी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसा कौन कर सकता है तनवीर? क्या ये वो गाड़ी थी जिससे आप टैक्सी समझ बैठी थी? मुझे याद नहीं मैडम। क्या इज्जत आबरू वाला कोई मसला हुआ था कभी, मतलब आपके शौहर ने किसी की बेइज्जती की हो? सर लूट चोरी मर्डर के सारे हिस्ट्री स्टेटस का राउंड अप लिया, एक एक को तोड़ा, लेकिन किसी का हाथ सलीम शेख मर्डर केस में दिख नहीं रहा। और गहराई में जाकर खंगालो धीरज। देखो जहां पर विक्टिम का फोन स्विच ऑफ हुआ वहीं से उसकी लाश मिली, सूटकेस में नाक कटी हुई। जाहिर सी बात है कि कोई ऑन द स्पॉट लूट या मर्डर का केस नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर नजर आ रहा है। हिस्ट्री शीटर्स में से सुपारी किलर्स को अलग से लेके उबालो, कोई ना कोई कुछ जरूर बोलेगा। विवेक सलीम की नाक काटी गई, कहीं ना कहीं कोई घायल है जिसके मन में सलीम के लिए भयंकर गुस्सा था और मुझे लगता है कि कोई बिजनेस राइवलरी नहीं बल्कि उसके घर के अंदर की बात है। सर शेख खानदान के हर सदस्य की फाइल बन रही है। इंस्पेक्टर हमारी टीम ने मिराज शेख की गाड़ी को डबल स्कैन किया, कोई भी फॉरेंसिक एविडेंसेस नहीं मिले, बाल ब्लड स्कैन कुछ भी नहीं। सूटकेस से कोई क्लू ऑफिसर? कुछ भी नहीं।
सलीम के अलावा किसी और तक के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। ऑफिसर, ये कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा काम नहीं हुआ है। हुआ तो है इंस्पेक्टर, कातिल ने ग्लव्स पहने हो सकते हैं। चांसेस कम है उसके या उनके फिंगरप्रिंट शायद इसलिए इरेज हो गएंगे क्योंकि सलीम की बॉडी बिल्कुल टाइट फिट थी अंदर। लेकिन उस बात को तो 14-15 साल हो गए। दुश्मनियां एक्सपायरी डेट के साथ तो नहीं आती ना निशा जी? क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी और आपकी जेठानी मिराज की बीवी जमीला के बीच बिल्कुल नहीं जमती? एक ऐसी रसोई बताइए जहाँ बर्तन नहीं बचते। पर हमारी रसोईया तो अलग हो चुकी है, तब से हमारे बीच का तनाव भी मिट चुका है। हमारे बड़े अब्बू और अब्बू काफी करीब थे सर, बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की। तो फिर बेइज्जत कौन हुआ था तनवीर? तुम्हारे अब्बू की नाक काटकर उनकी बॉडी से अलग कर दी गई। जाहिर सी बात है कोई ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा था कि हमने असली नाक को असल में काटकर दिखा दिया है। ये पैगाम कौन दे रहा था निशा जी? हमें सच में नहीं पता, लेकिन हमारे और जमीला भाभी के बीच के अनबन का हमारे शौहर के कत्ल से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? ये हम औरतों के बीच की बात थी। औरतों के बीच की बातें मर्दों के बीच की बनने में कितनी देर लगती निशा जी? और यही वजह नहीं थी कि आप दोनों के शौहर सगे भाई अलग हो गए, पुश्तैनी कोठी बेच दी गई? कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। अरे एक तरफ तो सलीम भाई के असली कातिलों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप, पर ऊपर से हम लोगों को बेवजह ही घसीट रहे हैं। जनाब, हमें जो कुछ भी बताना था पहले ही बता चुके हैं। कोठी क्यों बेची ये तो नहीं बताया आपने? आप दोनों भाइयों की बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये वजह थी कोठी बेचने की, ये तो नहीं बताया आपने? हाँ बेची थी, लेकिन अगर हम दोनों भाइयों के बीच में कोई झगड़ा होता या कोई अनबन होती तो दोनों साथ में मिलकर को ओनरशिप में वो फ्लैट क्यों खरीदते बताइए? देखिए जनाब, हम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। जहाँ तक निशा की और हमारी बात है तो हर घर में देवरानी जिठानी का आपस में झगड़ा होता है, ऊपर से यहाँ मामला कुछ खास था। खास बात? क्या खास बात थी? हम न सिर्फ अलग अलग खानदानों से आई थी बल्कि निशा का तो मजहब भी अलग था। मतलब निशा मुसलमान नहीं है? जी नहीं, निशा हिंदू थी। देखिए जनाब, ये सब पुरानी बातें हो चुकी है, आज की तारीख में जमीला और निशा बहनों जैसी। इंस्पेक्टर साहब, शुरुआत में हमारे सास ससुर सलीम भाई की शादी से काफी नाराज थे, लेकिन फिर थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो गया था। तो आपके माँ बाप को निशा कबूल नहीं थी? जनाब, आप तो जानते हैं कि इस शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में रोटी का रिश्ता तो है लेकिन बेटी का नहीं, और इसलिए जब सलीम निकाह करके निशा को हमारे घर ले आया तब मैं ही था जिसने अम्मी और अब्बू को समझाया था और दोनों को राजी किया था इस निकाह के लिए। उस वक्त अगर ये दखल नहीं देते तो हमारे ससुर ने बिल्कुल पक्का कर लिया था कि वो सलीम भाई को न सिर्फ घर से निकालेंगे बल्कि जमीन जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। साहब, ये मिराज की बीवी जमीला सही फरमा रही है, मैंने उनके सारे पड़ोसियों से बात की। कोई हिंदू मुस्लिम एंगल या सालों बाद कोई दुश्मनी निकाली गई हो? साहब, शेख खानदान की तरफ से तो कोई माजरा लगता नहीं है। निशा की साइड से कोई है? अब साहब, निशा की तरफ से तो सिर्फ उनकी बुजुर्ग माँ है मीनाक्षी भटनागर है, और कोई नहीं है। जी, खबर मिली हमें हमारे दामाद की हत्या हो गई। तो मीनाक्षी जी, आप गई नहीं अपनी बेटी निशा से मिलने? हर चीज आपके आंखों के सामने हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है। हम गए थे तब आप नहीं थे। नाखुश थी आप निशा की पसंद से? 21 साल पहले गुस्सा था, बाद में खाक हो गया। आप उस खाक को छानने आ गए हैं। मीनाक्षी जी, सलीम का कत्ल कहीं ना कहीं किसी न किसी गुस्से से ताल्लुक रखता है, और हिंदू मुस्लिम शादी ऐसे एक गुस्से की जायज जड़ हो सकती है। ना ना, हिंदू मुस्लिम वाला कोई माजरा ही नहीं था। सलीम के घर वाले पहले मुंह बिचका रहे थे, फिर बाद में ठीक हो गए। कॉलेज में निशा और सलीम एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों की। और बात जब शादी तक पहुंची, हमें ऐसी एक बात पता चली जो हमें ठीक नहीं लगी। क्या बात? सलीम पहले से ही शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था। अच्छा? सलीम पहली बीवी को तलाक देकर निशा से शादी करना चाहता था, पर ये बात हमें अच्छी नहीं लगी थी। पहले तो वो किसी दूसरी औरत का घर तोड़ रही थी, और दूसरी बात यह है कि यह आदमी अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को छोड़ सकता है, तो निशा के साथ भी, आप समझ रहे हो ना? विवेक, सलीम के फोन रिकॉर्ड में किसी औरत का नंबर शो हुआ है क्या? नो सर, ज्यादातर कॉल बिजनेस से रिलेटेड थे, सारे मर्द, औरत मतलब सिर्फ निशा के कॉल से। क्या बात है सर, कोई अफेयर वाला एंगल लग रहा है? नहीं, किसी पहली बीवी का पता चला है, और अगर पहली थी तो हो सकता है कोई तीसरी भी हो। शादी नहीं है तो शायद कोई अफेयर हो, और उस पार्टी को सलीम से कोई गिला शिकवा हो, कोई इंसल्ट हुआ हो। वो कहते हैं ना कि नाक कटी हो। बताया नहीं मतलब, हमारे जहन में ही वो बात नहीं आई।
निशा जी जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शौहर का कोई अफेयर चल रहा था और ये बात भी आपके जहन में ना आई हो? ऐसे कोई बात नहीं थी, हमारी लव मैरिज थी और हमारी लव और मैरिज आखिर तक बरकरार थी। आपके शौहर की पहली बीवी को भी यही एतबार होगा ना? वैसे क्या नाम है इनका, कहाँ रहती है? यही इसी शहर में रहती है, फरजाना नाम है उनका। लेकिन 21 साल पहले ही उनका और हमारे मरहूम शौहर का तलाक हो चुका था। तलाक रिश्तों के बीच होते हैं निशा जी, जज्बातों के बीच नहीं। एड्रेस बताइए इस फरजाना का। मम्मी कॉलेज जा रहा। जी तुम हमजा सिद्दीकी हो गए? जी, लेकिन बात क्या है? और आप फरजाना सिद्दीकी? हाँ। सलीम शेख को खुद मार डाला या फिर किसी को सुपारी दी? 21 साल में एक बार मिलना तो दूर, फोन पर भी कभी बात नहीं हुई उनके साथ, और आप पूछ रहे हैं खुद मारा या सुपारी दी? हम या हमारा बेटा क्यों मारेंगे, उन्हें मतलब ही नहीं बनता सर। सर वो इंसान हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, पर हमें हमारा फ्यूचर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो फिर क्यों उसे मारकर एक नया धब्बा अपने सर लेंगे? हमारी बात मानिए सर, हमारे घर में जिक्र भी नहीं होता उसका। हमें या हमारी अम्मी को उस इंसान के लिए कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं है, बल्कि कोई फीलिंग ही नहीं है। 19 अगस्त को तुम कहाँ थे अमजद? शहर में ही था, सुबह कॉलेज, शाम को दोस्त और फिर घर। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जब आपने बताया तभी हमें पता चला कि मर्डर वर्डर हो गया है। फरजाना जी कितना गुस्सा उमड़ा होगा ना आपके रगों में, 21 साल पहले जब सलीम ने आपको तलाक दिया और निशा से शादी कर ली। अब क्या कहें सर, ये सब फिजूल की बातें, बल्कि आप सबके सब मिलकर हमारे साथ एक भद्दा मजाक करें। सर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें या हमारी अम्मी को उस इंसान के लिए किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। चलो पर हाँ सर, आज के बाद जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो हमें डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा बहुत लो तो हम भी जानते हैं। आज के बाद जब तक कोई अरेस्ट या सर्च वारंट ना हो हमारे घर ना आए। काफी अकड़े बंदे में, विवेक अकड़ से ज्यादा नाराजगी है, और जब कोई इस कदर नाराज हो तभी जाकर वो किसी लाश की नाक काट सकता है या कटवा सकता है। इसकी कुंडी निकालता हूं मैं। एक भी डिटेल, एक भी एंगल छूटने ना पाए। इस लड़के के कॉन्फिडेंस के पीछे इसके अंदर उबल रही नफरत का लावा भी हो सकता है। अम्मी आप यहीं से घर निकल जाओ, मैं कॉलेज चला जाता हूँ। संभल के जाना बेटा, कॉलेज के बाद सीधा घर आना। नहीं यार अशफाक, इस हमजद सिद्दीकी का कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा है यार। कोई फ़ोन बिजी आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्विच ऑफ है, फिर ट्राई करता रहे, कुछ ना कुछ कनेक्ट तो हो ही जाएगा। सर हमजद के फ़ोन रिकॉर्ड्स कुछ बता नहीं रहे। विवेक यही तो जड़ है इस केस की, कि हत्यारे की आइडेंटिटी की तरफ कोई इशारा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मकसद पानी की तरह साफ नजर आ रहा है। एक वेल प्लान मर्डर और फिर लाश की नाक काट देना। जाहिर सी बात है कि हत्यारे के अंदर कोई गहरा गुस्सा है किसी बेइज्जती का, और इतना गहरा गुस्सा कई सालों में इकट्ठा हुआ हो सकता है। सर इधर कॉन्ट्राडिक्शन है, सलीम किसी की बेइज्जती करे ये बात ज्यादातर लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। ये जाना जाता था अपने धार्मिक स्वभाव के लिए, मजहबी नमाजी किस्म का आदमी था। पिछले साल हज करके आया था, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, हर साल रोजे रखता था। बस एक ही बात थी शायद जो उसकी फैमिली को खटकी थी या खटक रही थी, कि उसकी वाइफ हिंदू है, उसके अम्मी अब्बू सब खिलाफ थे उसके। लेकिन विवेक वो माजरा तो सॉल्व हो गया था ना, निशा को उसके पेरेंट्स ने कबूल कर लिया था। शायद मजबूरन होगा, दिल का गुस्सा नासूर बनता गया कि मजहब के बाहर शादी कर ली, बिरादरी में नाक कटा दी। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो कातिल शेख परिवार के अंदर से क्यों होना चाहिए? अब इन दोनों भाइयों के अब्बू और अम्मी तो रहे नहीं, तो परिवार में बचा कौन? सलीम का बड़ा भाई मिराज, उसकी बीवी जमीला और उन दोनों का बेटा आमिर। Thank you.
अब हमें मिराज और जमीला के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं, तो बचे कौन? खुद सलीम की बीवी निशा। विवेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम और निशा के बीच में कोई अनबन थी, या फिर निशा को यह लगता था कि उसने सलीम से शादी करके गलती की है, या फिर सलीम किसी तरह निशा की बेइज्जती करता था? उनकी लव मैरिज थी सर, निशा कहती अब भी लव था, कहीं ये फरजाना दोबारा तो नहीं दाखिल हुई उनके बीच में? विवेक, को जो लास्ट कॉल सलीम ने किया था वो नंबर ही हमारे केस का क्रैक कोड होगा। आखिर वो शख्स था कौन? खुद खूनी या फिर खूनी का कोई आदमी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम खुद किसी को मारने के फिराक में था, प्लान कुछ बिगड़ गया और खुद मारा गया? लेकिन फिर भी कोई नाक क्यों काटेगा? विवेक, अभी तक एक बात क्लियर है, और वो ये कि सलीम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं आई थी, बल्कि कोई प्राइवेट गाड़ी में आया था। अब सवाल ये उठता है कि फिर सलीम ने निशा को टैक्सी क्यों कहा, और वो कौन सा शख्स था जो सलीम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए आया था? चिल कर और थोड़ा टाइम जाने दे, परफेक्ट तब होगा जब ही सालों को एक भी सिंगल सुराग नहीं मिलेगा और फिर वो खुद ही केस क्लोज कर देंगे। मम्मी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। ठीक है बेटा। टैक्सी वाला डाउट सही निकला, जो गाड़ी सलीम शेख को लेने आई थी वो टैक्सी थी ही नहीं। और दूसरा अनुमान जो हम लगा रहे थे कि ये केस किसी की इज्जत उछलने, किसी की नाक कटने से रिलेटेड है, वो भी सच साबित हुआ। और उसके बाद भी हम मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचे, ना ही हम उस तक पहुंचे जिसने इस कत्ल को एग्जीक्यूट किया था, हम उस तक पहुंचे जिसने ये कांड नहीं किया था। नाम बोल भाई। देखो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। धंधे की कसम नहीं आएगा। अब बोल। देखो, वो किस हद तक की सुपारी में शामिल था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 19 की रात को वो नूपुरगंज गया था, और जिस काम के लिए गया था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, वो तुम खुद पता कर लेना। आरिफ नाम है उसका, कपूरी बाग थाने के लोकअप में है, और कल ही किसी चोरी के केस में अंदर हुआ है। सलाम सर। आरिफ कुरैशी, 19 अगस्त की रात को नूपुरगंज में सलीम शेख का मर्डर तूने किया था? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। 4467-8987 ये फर्जी नंबर तू इस्तेमाल कर रहा था? नहीं साहब, ये नंबर हमारा नहीं है। सुपारी किसने दी थी, किसके लिए दी थी? सलीम शेख के लिए सुपारी मिली थी? साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। हम किसी को नहीं मारे साहब। ठीक, हम मारते हैं। पांडे, जरा वो साइलेंसर ले आना। विवेक, अब अगर ये गिड़गिड़ाकर सच भी बोले ना तो सुनना मत, ठोक दो साले को और ले जाके गाड़ दो अपनी यूजुअल जगह पर। मालिक 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 मालिक, एक मिनट बोल। मालिक, हम मानते हैं कि हम उस रात नूपुरगंज में इंतजार कर रहे थे, हमको मैसेज आने वाला था कि सलीम कौन सी टैक्सी में आने वाला है। तो मतलब सलीम शेख को मारने की सुपारी तुझे मिली थी? सुपारी नहीं साहब, पेशगी, बाकी के काम होने के बाद मिलना था, लेकिन साहब काम हुआ ही नहीं, वो सलीम वहाँ आया ही नहीं। बाद में हम अखबार में पढ़े कि उसका गेम हो गया। कितनी पेशगी मिली थी? 25,000 रुपया, बाकी 30,000 रुपया काम होने के बाद मिलना था। और सुपारी किसने दी थी? अनुज, अनुज ने। अनुज कौन? हमको नहीं पता साहब। इसे खत्म करना है। हो जाएगा, पर पैसे वो जो फोन पे बोला था, 25 अभी और 30 काम के बाद, पूरे है ना? हाँ, टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर 19 को हमको अनुज का फोन आया, बोला आज रात गेम है, एयरपोर्ट के रास्ते सलीम टैक्सी में जाएगा। फिर हम उसको अपना नया नंबर दे दिया,
जो तूने जाली बनवाया था इस काम के लिए। जी साहब, लेकिन काम हुआ नहीं। उस रात अनुज का फिर फोन आया। हेलो। हेलो, अनुज बोल रहा हूँ। अरे यार, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम टैक्सी का नंबर भेजने वाले थे ना। तुम निकल लो वहां से, काम कैंसिल है। क्यों? अरे कोई क्यों नहीं, बस काम नहीं हो रहा। साले, सलीम के नंबर से कॉल आया था तुझे, सलीम के नंबर से जिसकी मौत हो चुकी है। कौन है अनुज जिसने सलीम के नंबर से तुझे फोन घुमाया? हमको बस इतना पता है कि उसका नाम अनुज है। हमको पहले दिन से उसके नाम पे डाउट हो रहा था कि फर्जी है। ये था? नहीं साहब, वो लड़का था बिल्कुल यंग। ये भी नहीं था साहब। ना नहीं, ये भी नहीं था। इसका मतलब ये कि अनुज कोई था ही नहीं। तूने खुद सलीम शेख का कत्ल किया। अब ये बता, किसके नाम को छुपाने की कोशिश कर रहा है और कितना पैसा मिला इसके लिए तुझे? मैं क्यों किसी को छुपा के अपनी जान पे लूंगा? इस अनुज से दो बार बात हुई थी तेरी। हाँ, दूसरी बार फर्जी नंबर था तेरा। पहली बार कौन सा था? पहली बार भी फर्जी था। नंबर बोल। नंबर याद नहीं साहब, इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया था। और इफ कुरैशी तुझे भी उसी तरह फेंक देंगे, क्योंकि तू किसी काम नहीं आ रहा हमारे। एयरपोर्ट के रास्ते पर मार डालने का प्लान बनाया गया। और ये प्लान वही बना सकता है सर, जिसे मालूम हो कि सलीम शेख ये टाइम पर एयरपोर्ट जाने वाला है। यानी कि कोई करीबी, शायद कोई घर का। और आरिफ के हिसाब से वो कोई यंग सा था, शायद तनवीर शेख, सलीम का बेटा। और ये तनवीर शेख शायद आरिफ के सामने आए नहीं, इसने किसी और के कंधे पर बंदूक रख के फायर किया। तनवीर शेख को अभी उठा लेता हूँ सर। नहीं विवेक, अभी नहीं। इस तनवीर शेख को स्कैनर पर डालो, पता तो चले कि इसने आरिफ के पास भेजा किसको था और अपने ही बाप को मार डालने की सुपारी इसने क्यों दी। चार दिन से फील्डिंग लगाए बैठा था साहब इस तनवीर के लिए। ये लड़का तनवीर के ही कॉलेज में पढ़ता है, काफ़ी गहरी दोस्ती है दोनों के बीच। कपिल नाम है, कपिल भारद्वाज। हाँ हाँ साहब, यही अनुज है। इसे ख़त्म करना है। हो जाएगा, पूरा है ना? हाँ, टाइम हो जाएगा, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तनवीर को बुलाएंगे जरा। कातिल का पता चला? थोड़ा बहुत पता चला है, बाकी तो तनवीर खुद ही बताएगा। हमें वो गाड़ी मिल गई है जिसमें बैठकर सलीम जी एयरपोर्ट गए थे। निशा जी, आपने तो देखा था ना, वो गाड़ी में ही बैठकर गए थे। तो फिर ये तुम्हारा दोस्त कपिल उर्फ अनुज, वो ये क्यों कह रहा है कि वो गाड़ी में बैठकर गए नहीं थे? तनवीर, आने वाले रमजान में हमारे और अम्मी के साथ इस बार तुम भी सारे रोजे रखोगे। पूरा नाम जानवी तिवारी है, हमें अच्छी लगती है वो, लव है हमारा। क्या है वो लड़की? वो हमारी क्लासमेट है, कॉलेज और क्लासेस दोनों जगह। क्या है वो लड़की? क्या है मतलब, हम कुछ समझे नहीं। हमने पूछा क्या है वो लड़की? वो सीधी साधी लड़की है, जानवी नाम है उसका। और क्या? मैंने पूछा क्या है वो लड़की, मजहब क्या है उसका? हिंदू है अब्बू। और आप ये ना भूलिए कि आपके अम्मी अब्बू को भी दिक्कत हुई थी,
पर हमारे प्यार ने उन्हें जीत लिया। वो सलीम कितना अलग था जिससे हमने निकाह किया, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो सलीम गलत था। शुक्र है हम बदल गए। आखिर हमसे कहां कमी पड़ गई? हमारी बात छोड़ो, तुम बस तनवीर को यह समझा देना कि वो किसी भी सूरत में एक हिंदू लड़की से निकाह नहीं कर सकता। आपके अब्बू ने भी आपसे यही कहा था और हमारी माँ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर बगावत की ना। लेकिन तनवीर बगावत नहीं करेगा और हमको भी नहीं करनी चाहिए थी। हमें तो करनी ही नहीं चाहिए थी। कॉलेज में अलग ही सोच थी तुम्हारे अब्बू की, खुली सोच, कोई रोक टोक नहीं थी हम पर। लेकिन निकाह के बाद धीरे धीरे वो और कट्टर बनते गए, पर हमने भी अपने प्यार की खातिर उनकी सारी शर्तें मान ली। अपना सर ढक के रखा, रोजे रखे, नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी वो हमसे और दूर होते गए। कुछ ज्यादा ही अम्मी, इस हद तक कि क्या तनवीर? लेकिन अब्बू, जानवी के हिंदू होने से क्या फर्क पड़ता है? अम्मी भी तो हिंदू है। वो अब हिंदू नहीं है, वो अब निशा शेख है, मुसलमान। लेकिन आपने जब उनसे प्यार किया, उनसे निकाह किया, तब तो वो हिंदू थी ना। क्या थी वो मायने नहीं रखता, वो क्या है वो मत भूल। लेकिन क्या अम्मी भुला पाएंगी उनका पास्ट? अब्बू, आपके लिए उन्होंने अपना मजहब बदला है, लेकिन उनका अपना खुद का वजूद, यादें हैं, रिश्ते हैं, रिवाज रिवायतें हैं, ये सब ऐसे ही एक झटके में बदल तो नहीं सकता ना अब्बू। और हम तो कहते हैं बदलना ही क्यों चाहिए। और बदलने से भी कुछ नहीं होता, तुम्हारी अम्मी का वजूद और उसकी बाकी सारी चीजें हमें बहुत भारी पड़ी हैं। तनवीर, ये सब कुछ हम तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे और इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। अगर वो लड़की इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो भी जाती है तो भी तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं होगा। नहीं अब्बू, जानवी हिंदू ही रहेगी और हमारा निकाह भी होगा। और ये गुनाह होगा जो हमने किया था। तुम्हारी अम्मी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हमारे अम्मी अब्बू की नाक पूरी बिरादरी में कट गई। वो आपको गलती कैसे कह सकते हैं अम्मी? आखिर बीवी है आप उनकी, अम्मी है हमारी। बस अब उनको जो कहना है कहें, लेकिन हमारी नजरों में ना ही आप गलती हैं, ना ही हम गलती हैं, और ना ही जानवी के साथ हमारा रिश्ता गलत है। किसी से प्यार करना, उससे निकाह करना, उसे खुश देखना गलत कैसे हो सकता है अम्मी? नंबर जा कहीं से भी मिलाओ आरिफ, काम करना है या नहीं। हाँ, बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। मेरा नाम अनुज है। अल्लाह हाफिज, पहुंचते ही एसएमएस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कपिल, अब्बू टैक्सी स्टैंड के लिए निकल गए हैं। हाँ, मुझे दिख रहे हैं, और अभी तक हमारा बंदा नुपुरगंज भी पहुंच गया होगा। तनवीर, वहां पर कोई टैक्सी नहीं थी यार, तेरा वो फिर से घर की तरफ चलते हुए आ रहे। कपिल, कपिल तू कहीं जाके छुप जा, छुप जा, जा कहीं छुप।
अरे क्या हुआ, आप वापस आ गए? अरे टैक्सी नहीं मिली। अरे तुम कह रहे थे ना तुम हमें ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप कर दो चलो। अबू हम टैक्सी बुक कर देते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम चल के हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो और तुम हमें जबरदस्ती टैक्सी पे भेजना चाह रहे हो, हैं? माजरा क्या है? क्या चल क्या रहा है यहाँ हमारी पीठ पीछे? अभी जब हम घर लौट के आ रहे थे तो हमने देखा वो तुम्हारा नालायक दोस्त भागता हुआ यहाँ पर आया। कहाँ है वो, बुला उसको। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? निशा निशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये यहां पे क्यों है, क्या कर रहा है यहां पे? इसी ने तुम्हें जानवी की तरफ धकेला है ना, है ना? अबू बेस्ट फ्रेंड है ये हमारा और हम जानवी से प्यार करते हैं, उसमें सपोर्ट करता है ये हमारा जैसे अम्मी करती है। लेकिन जिस तरह आपने अम्मी को इतने साल अपने हाथों में कठपुतली बनाकर रखा, हम जानवी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले कि तुम हमारी नाक काटो हम तेरी गर्दनी अलग कर देंगे एहसान फरामोश। हमारे तनवीर और उसके दोस्त कपिल ने सिर्फ लाश ठिकाने लगाई है, कत्ल हमने किया है। हमें झूठ बोल रही है सर, हमें बचा रही है, अब्बू का कत्ल हमने किया है। क्या कमाल की टीम है माँ और बेटे की, पहले हमें घुमाने में साझेदारी और अब गुनाह कबूल करने में भी साझेदारी। और निशा जी अगर आपको इतनी ही घुटन हो रही थी तो आप तनवीर को लेकर अलग हो जाती, जी लेती अपनी आज़ादी की जिंदगी, कम से कम बात यहां तक तो नहीं पहुंचती ना। आज़ादी सिर्फ उनकी थी सर, चैन की सांस सिर्फ वो ले रहे थे। तो उनकी सांसें रोककर तुम अब चैन की सांस लोगे, है ना? उनकी नाक काटकर तुम्हारी नाक ऊंची हो गई और अब जब जेल में सड़ोगे तो जानवी का सर तो फक्र से ऊपर उठ जाएगा कि मेरे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया तनवीर ने। आपको बेशक अपने बेटे का साथ देना चाहिए था लेकिन उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। अब आपकी और आपके बेटे की एक और साझेदारी होगी अदालत के कटघरे में और वहां पर वो तीसरा कपिल भी होगा जिसके माँ बाप को शायद पता नहीं, मालूम भी है कि नहीं कि दोस्ती निभाने के चक्कर में उसने अपने माँ बाप के अरमानों का गला घोट दिया है। तनवीर कम से कम मुझसे एक बार बात कर लेता, मैं समझाने की कोशिश करता सलीम को, वैसे ही जैसे अबू और अम्मी को समझाया था निशा को अपनाने के लिए। या अल्लाह क्या कर दिया तनवीर ने। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।